तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कंडीशंस, इफ कंडीशंस की। वीवीए में इफ कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, यहां पे सब्जेक्ट, और मैं यहां पे इफ अंडरस्कोर वन कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहां मैं करता हूं, अब फिलहाल मैं लूप नहीं लगाता हूं, राइट सर, फिलहाल मैं ऐसे बताता हूं। 85, 36, 63, मान लीजिए मुझे 85 को करना है कि अगर एक ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि ग्रेटर देन 50 है तो यहां पे मुझे 500 देना है, अदरवाइज कुछ नहीं देना है। तो यहां इफ आर एज ए, या पे रेंज करते हैं रेंज, और यहां पे A1, अब ये यहाँ पे A1 चाहे B1 जो है थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, क्योंकि A1 तो चलो फिक्स है, लेकिन कल के डेट में बड़ा छोटा हो सकता है ना सर, डायनेमिक रेंज के लिए। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि डिम आर एज ए लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग डेटा टाइप है इसलिए। आर इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू, और फिर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 500। अभी देखिए क्या है कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट है, हमें एक ही कंडीशन देना है और एक ही रिजल्ट देना है। तो हम इफ को एक लाइन में लिख दिया, लेकिन आप लोग जब क्योंकि आप लोग मोस्टली लोग इंटरनेट पे अपना कोड को सर्च करते होंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखता होगा, कुछ इस तरह से दिखता होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कब जाकर करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट होता है या एल्स होता है, जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल पे आपको समझाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे पास जो हमने दिया हमें एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं होती। इसको रन कीजिए, डॉट वैल्यू इक्वल टू 500 लिखा था ना, अब इसको रन करें आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आ गया सर। लेकिन अगर ये तो सिंगल था, अगर इसी में मेरे पास अगर कई सारे सेल्स है उन सब पे करना है तो कैसे करेंगे, उस केस में हम यहां पे आते हैं लूप, हम यहां इसको लूप के अंदर में डालेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2, कितना आपका है 10। अब 10 को भी डायनेमिक किया जा सकता है, लेकिन वो आगे के बाद समझाऊंगा, फिलहाल इसको इतना ही रखिए। नेक्स्ट आई, अब यहां 1 जो है इसके साथ हमने क्या करेंगे, क्या करेंगे शुभम जी, आई को कंबाइन कर देंगे, और बी के साथ भी आई को कंबाइन कर देंगे। अब इसको रन करिए, रन करते ही देखिए यहां पे आ गया। तो लूप के साथ इस तरह से लगाएंगे। शुभम जी, साहू जी, सब कोई डाउट इसमें सर? वो डिम जो आपने डायमेंशन आ दिया उसके आगे एस लॉन्ग क्यों लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसके लिए डेटा क्लास हमें समझाया था आपको, डेटा डिफाइन करना, हमने लास्ट क्लास जो ली थी उसमें समझाया था ना कि वेरिएबल्स बाइट लॉन्ग इंटीजर वगैरह, अब थे या नहीं थे? सर लास्ट वीक में था नहीं, लास्ट वीक में क्लास लेनी, तो इसको डेटा टाइप की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा टॉपिक जो पूछा आपने छोटा बात नहीं है। फिर मैं एक शॉर्ट बता दूं, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मतलब कि एक लोकेशन डिफाइन किया है। अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो आप भेज देना, मैं एक बार पढ़ लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। यूट्यूब पे है क्या आपकी इसमें? आई थिंक होगी, मैं एक बार सर्च करके भेज देता हूँ। ठीक है सर, एक बार भेज देना।
अब यहां पे एक चीज हो गई कि हमने यहां पे आई ले लिया, बात खत्म हो गई। अब मुझे इसमें मान लीजिए कि मुझे इसमें दो काम करना है कि हमें कंडीशन भी देना है और इसकी बैकग्राउंड कलर भी करना है, हमें कंडीशन भी देना है और बैकग्राउंड कलर भी करना है। अब यहां पे मेरे पास सिंगल कंडीशन है बट मल्टीपल रिजल्ट है, तो मैं इसको यहां से नीचे से तोड़ूंगा, ठीक है, और यहां लिखूंगा कि रेंज बी के साथ आई को लिया डॉट, बैकग्राउंड कलर करने के लिए होता है इंटीरियर डॉट कलर, और कलर का नाम दे दीजिए बी वी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा, जो देना है दे सकते हैं। अब यहां पे एंड इफ लगेगा, जैसे ही दैन के नीचे टूटेगा आपको लास्ट में एंड इफ देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो एंड इफ का यूज हम कब करते हैं, दो तीन कंडीशंस में होती है। पहले होती है कि अगर आपके पास सिंगल कंडीशन बट मल्टीपल रिजल्ट हो, तो जैसे यहां पे मेरे पास दो हमें रिजल्ट देना था तो इसका इस्तेमाल किया, या दूसरा एल्स। अब एल्स मतलब कि अगर 500 ना हो तो हमें देना है 100, मतलब कि जो 50 से नीचे उसको 100 देना है, तो यहां पे आपको एल्स लगाना पड़ेगा कि एल्स और फिर इसको 100 रिजल्ट देना पड़ेगा। ओके सर, सुबह और सर इसमें अब कलर, अभी अब समय इसमें आया कलर क्या? भी हम कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें हम कलर का भी दे सकते हैं रेंज करके, हाँ फिर देखिए, वो इसके कलर। बीच में सुनिए, इफ और एल्स के बीच में ट्रू पार्ट हो गया और एल्स और एंड इफ के बीच में फॉल्स पार्ट हो गया। जैसे अच्छा नॉर्मली इफ ठीक करते है, हैं ना हम, समझ गया समझ गया। तो एक पहला आता है कंडीशन, उसके बाद जब हम कॉमा करते हैं तो दो दिख रहा है ना सर, ट्रू एंड फॉल्स। सेम वीवीए में होता है आपका कि ए आपका हो गया कंडीशन, ए आपका हो गया ट्रू पार्ट, ए आपका हो गया फॉल्स पार्ट। अब इसके बीच में जितना मर्जी लाइन घुसेरे, जितना मर्जी लाइन डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक समझ गए? हाँ जी, नो कोई डाउट? कोई डाउट सर इसमें? नहीं सर, क्लियर है मुझे। तो ए इफ का कंडीशन आपका हुआ। अब आपको इफ के थ्योरिकल पार्ट को पढ़ना है। अब बोले सर इफ को हमें थ्योरिकल पार्ट पढ़े, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक ऑन द नेट। ऑन द नेट इसमें वीवी का फंक्शन लिस्ट बहुत है, हम आगे आपको देंगे इसको पढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल जो आपको पढ़ना है इसमें लॉजिकल फंक्शन में इफ कंडीशन, इफ देन एल्स, दिख रहा है? अब देखिए क्या है, वीवी कहता है कि इफ लगाना है आपको, तो यहां इफ दीजिए, यहां कंडीशन दीजिए, यहां पे एल्स कंडीशन दीजिए, और रिजल्ट वन रिजल्ट टू, और रिजल्ट एक कंटिन्यू चला जाएगा, जब आपका रिजल्ट खत्म हो जाए तो एल्स दीजिए, एल्स रिजल्ट दीजिए और एंड इफ कीजिए, नेस्टेड इफ की बात हो गई, राइट सर? तो कंडीशन कुछ इस तरह से कहा जाता है। अब एग्जांपल देखें, तो इसने देखिए इफ दिया, कंडीशन दिया और यहां पे एक ट्रू रिजल्ट दिया, ठीक है? फिर यहां पे इसने कंडीशन, यहां पे देखिए, यहां पे पहला कंडीशन दिया और एल्स इफ। अब एल्स इफ क्या होता है कि अगर एक कंडीशन ना हो तो दूसरा कंडीशन, दूसरा ना हो तो तीसरा हो, तीसरा चौथा कंडीशन हो, ये आपको आगे क्लास में समझाऊंगा मैं, इसको एल्स इफ कहा जाता है। ओके, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं चैट पे डाल देता हूं। लेकिन फिलहाल आपको सिंपल इफ के बारे में पढ़ना है,
सिंपल है, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कंडीशंस और यहाँ पे एल्स, फिर कंडीशन यहाँ पे ट्रू रिजल्ट, यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट, ठीक है सर। अब बात आती है कि मुझे एंड लगाना है, मतलब कि दो कंडीशन लगानी है, जैसे कि मैं 50 टू 80 के बीच में करना चाहता हूँ, ग्रेटर देन 50 लेस देन 80, यहां पे हम एंड कमांड लगाएंगे और आर इज लेस देन 80, समझे। तो एंड और इस तरह से लगाया जाता है, और तीसरा कंडीशन भी है तो वापस यहां पे एंड होगा। ठीक है सर, समझ में आया आपको ये, तो इसको ट्राई कीजिए सर, और आपको जो है रिकॉर्डिंग चाहिए तो देखता हूँ रिकॉर्डिंग इफ लॉजिकल कंडीशन की। इसके रिलेटेड ट्रैक के लिए कुछ अगर हमें बता सकते तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो सोर्स मैं दूंगा आपको सर, इफ कंडीशन होते हैं भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सर तो है क्या वेबसाइट या नेट पे जो हमें क्वेश्चंस मिल सकता है? हाँ सर, वो भी मैं दूंगा आपको, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, कुछ वीवीए के नॉलेज जाएगी तो क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, रिजल्ट पे करते हैं डिम, मैं देखता हूँ शुभम जी। अच्छा, आप लोगों के पास की रिकॉर्डिंग तो प्लीज शुभम जी को भेज दीजिएगा मेल पे, मेरे पास होगा, भेज दीजिए सर। सर मैं आपको मेल आईडी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू विशेश भाई।